कोई नहीं, लोगों ने यहाँ पे पूरी नहीं देखनी है तो बाद में देख लेंगे, डाल देगा वो आकाश नाम आभास क्या नाम है सब डाल देंगे। सीधे मौत भाई, आप दोनों ही, आपका जो ग्रुप है आप अंदर काला हो गया और सम्मोहित यंगस्टर यंग फ्रैबी ये सब, मतलब जो हिप हॉप प्योरिस्ट हैं, जो सुनते हैं हिप हॉप प्योर हिप हॉप, उनके आप लोग फेवरेट्स हो, है ना? व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन कमर्शियल म्यूजिक, लाइक फॉर एग्जांपल क्लब हो गया, क्लब म्यूजिक? ब्रो देखो, आई विल फील कि शक्तिमान इज अ क्लब बैंगर, समझ रहे हो? लाइक शक्तिमान इज अ ट्रैक जो क्या बोलते हैं, रिलीज होने से कम दिल्ली बॉम्बे में हर किसी को, हर कोई जानता था उस गाने को, क्योंकि वो हर क्लब में बजा हुआ था, समझ रहे हो? गाना वो हर एक डीजे अपने सेट में बजा रहा था शक्तिमान को, और हर एक जगह बज रहा था वो गाना। अब नाउ दैट्स नॉट अ कमर्शियल ट्रैक, समझ रहे हो? लाइक वी नीड टू अंडरस्टैंड इट कि देयर इज नो सच थिंग एज सच एज अ कमर्शियल एंड अंडरग्राउंड रैप। इट्स जस्ट व्हाट वर्क्स इन द क्लब एंड व्हाट वर्क्स ऐसा नहीं है, हमने बॉल में मेलेडीज दी है, गिविंग मेलेडीज you can, it's not like it doesn't mean you're commercial, commercial. Haan, doesn't mean you're, it's about how you're doing it, aur wo nayi nayi melodies leke aana. Agar Bollywood mein overused melodies hain aur agar Bollywood mein ek ek pattern hai gaane ka, samajh rahe ho, wo gaana Bollywood mein chalta hai, you say that's commercial, aur jo hum abhi agar rap kar rahe hain that's underground. To do you think ki agar wo agar aisi hum mentality ke sath gaane banayenge to agle 10 saal mein bhi jo commercial music hai wo to same hi rahega na. How will people listen to anything different? वो commercial space में your commercial music and Bollywood का commercial music is कि आपका musicality के साथ उसमें आप lyrics या जो भी technicalities है वो dumb down नहीं कर रहे। Bollywood में अगर आप labels में देखो उसमें कुछ नहीं है। अब मैं bro अगर अगर Rohan bro अगर तू सीधे उसी का पूछ रहा है कि like Bollywood what do you think about Bollywood commercial music? It's fucking shit bro, tatti straight up, समझ रहा है? That's our point of view. मतलब और जब बात आती है हिप हॉप कमर्शियल ब्रो, आई रिस्पेक्ट पीपल डूइंग दैट थिंग, और मतलब मेरे को ये लगता है हम कहाँ से आ रहे हैं ना ब्रो, हम लोग वहां से आ रहे हैं जहाँ हमको बजना अच्छा लगता है ब्रो, हम लोग बजते हैं, हम लोग जब खुद गाना बनाते हैं ना ब्रो, हम लोग स्पीकर के सामने खड़े होकर वी फकिंग हेड बैंगिंग ब्रो, वी गोइंग इन वी सेंडिंग इट, दैट्स व्हाट वी वांट द पीपल जो हमको सुन रहे हैं, वी वांट देम टू फकिंग बी लाइक दैट, समझ रहे हो? जब वो हमारा गाना सुन रहे हैं, बट हम लोग With the song being a banger, we also wanna put down a message inside that track ki bhai, jo we're about this shit. Yeah. Hum log, matlab, thoda sa bhi bro, no half measures wala scene hai hamara, samajh rahe ho? Yeah. Like, seedhe maut wala shit. Aur commercial ki jab baat aati, bro, like, for example, a rapper going commercial and making a commercial track, jaise, is hisab se Krishna ka No Losses, is it a commercial track? What do you think? Will you call No Losses a commercial track? Kind of. Beat yeah. jaisi hai, beat haan. jaisi hai. Ek tarike haan. se you will, right? Haan. But you fuck with it. Haan, yeah. नहीं मैं कह रहा हूँ वैसे ऐसे commercial track जिसको सुन के बोले कि यार सीधे मौत तो sell out हो गए, वैसे वाले. मैं वही बोल रहा हूँ, अगर हम लोग एक नो लॉसेस जैसी बीट है, जैसी डांस हॉल टाइप की बीट है वो, ऐसी बीट पे हम लोग एक सीधे मोड टाइप ट्रैक बनाते हैं जो नो लॉसेस जैसा साउंड नहीं करेगा, बिल्कुल अलग ही हमारी वाइब में होगा वो, विल पीपल कॉल अस कमर्शियल तब? यू फील मी? दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग एट. मतलब आई डोंट थिंक दैट्स कमर्शियल. मतलब एक बीट डजंट डिसाइड व्हाट्स कमर्शियल, द आर्टिस्ट, जो आर्टिस्ट बोल रहा है उसके ऊपर. फॉर एग्जांपल अगर बादशाह ने गाना निकाला जिसमें वीडियो में जैकलीन फर्नांडिस है, मेरे को नाम भी नहीं पता भाई उस गाने का क्या नाम था, जो भी नाम था, वो कमर्शियल शिट है ब्रो. वो कमर्शियल शिट है, फिर वो बॉलीवुड चला गया वो, फिर आई वोंट कॉल इट हिप हॉप, आई वोंट से कि वो रैप कर रहा है, पता नहीं ब्रो, आई वोंट इवन कॉल इट रैप. इज देयर एनी प्रॉब्लम एज सच विद बीइंग कमर्शियल? नहीं, नो प्रॉब्लम ब्रो, नो प्रॉब्लम, कोई नहीं ब्रो, क्या दिक्कत? अगर व्हाई इज इट लुक डाउन अपॉन, लाइक अभी जैसे रोहन ने पूछा कि सेल आउट, और मतलब अगर आप बोलो, जेन्युइनली बताओ, अगर आपको कल एक कंपनी बोले बड़ी कि भाई हमें आपको 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, आप एक 10 सेकंड का घटिया सा एक वो बना दो, जो भी व्हाटएवर, तो व्हाई वुड यू नॉट टेक इट? यू जस्ट टेक इट, आई वुड टेक, यू टेक इट ब्रो, या आई वुड टेक दैट फकिंग मनी ब्रो, यू आर नॉट बीइंग सेल आउट, यू आर जस्ट बीइंग स्मार्ट, यू आर जस्ट अर्निंग मनी. हां, यू या ब्रो, बट द क्वेश्चन वाज, बट पॉइंट होता है कि तुम बड़े, हां एग्जैक्टली, वी डोंट फक विद इट, फक विद द म्यूजिक. अगर नहीं समझ रहे हो, लाइक अगर हम कुछ वैसा भी बना रहे हैं तो वी विल मेक श्योर लाइक कि दैट वी फक विद इट, एटलीस्ट फक विद इट, समझ रहे हो? मतलब अगर ब्रांड बोल रहा है कि नहीं भाई मेरे को चाहिए सीधे मौत के साथ अलका याग्निक, मेरे को चाहिए
वो एकदम आराम से गए ब्रो, तो हम लोग हाँ नहीं नहीं वो तो ठीक है, हम लोग अलका याग्निक के साथ बैठ के उसको बोलेंगे कि हम बैठ के जाम करेंगे ब्रो उसके साथ, आप समझ रहे हो? भाई ट्रिप है ब्रो। अगर आपको कंपनी जाए बोले भाई आपको वो जैकलिन फर्नांडिस वाला जैसा गाना है वैसा सेम बनाना है आपको 1 करोड़ रुपए। नहीं ब्रो नहीं बना रहे हम, नहीं 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 हमने लाइक वो नहीं कर रहे ब्रो, जब हमारे पास पैसे नहीं होते थे तब हमें लाइक ऐसा करके लाइक ऐसे आते थे पॉलिटिकल पार्टीज आके 20 लाख 25 लाख में गाना कर दो ऐसे करते, हमने नहीं करते थे ब्रो, हमें हमें जरूरत थी ब्रो 25 लाख रुपए की, वी नीडेड दोस 25 फकिंग लाख्स, हमने नहीं करा लाइक। तो अगर हम मुश्किलें बना कर सकते हैं तो हम बना सकते हैं। आई हैव रेड अबाउट दिस आल्सो दैट यू गाइस वर given the you know offer from a political party ki hamare liye gana banao and they were offering 25 lakh rupees and they were like fuck that we don't fuck with this shit. Nahi bro like agar then what do we stand for samajh rahe ho, as a person agar hum power ke liye gaane bana rahe hain, we are hum logo ke liye hai samajh rahe ho, we are the mouthpieces of the people and we are against the talk about the people in power. Itna fail laga usne kaam ne bola hum baithenge alka agni ke sath, ha hum baith jayenge wo hum bulayenge usko भाई तो भाई पीछे सेल्स अपना कीबोर्ड निकाल के भाई भाई हो जाए ब्रो लेट्स डू इट ब्रो। देखो भाई जैसे चलो चले भी है ना, भले ही हमने वैसे टाइप का आज तक गाना नहीं बनाया समझ रहे हो, हमने नहीं बनाया लाइक समझ रहे हो, हमने वो कर एक जोन, हम अपने जोन से निकल के रिथमिस के जोन में घुसने की कोशिश करी, बट एट द एंड ऑफ द डे हमने वही बनाया